Assalamualaikum students. I hope you are fine. Mansoor Hussain and UAM School System is always with you to help you out. Today our topic is proverbs. You know very well that proverbs is used to talk about advice, general truth. वर्ड्स एडवाइस जब हम किसी को मशवरा देते हैं, जब किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, तनकीद करते हैं, तो हम प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी जबानों में मुख्तलिफ किस्म के प्रोवर्ब्स होते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, सिंधी में, गुजराती में, हर तरह की जबान में मुख्तलिफ किस्म के मुहावरे होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं। उसको बच्चे, बड़े, छोटे सभी हर एज में इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई एक्स फैक्टर नहीं होता कि अगर आप छोटे हैं तो आप ये एडियम यूज करेंगे, अगर आप बड़े हैं तो आप ये एडियम यूज करेंगे। जब हम किसी को बेसिकली तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, जब हम किसी को बेसिकली कोई बात समझा रहे होते हैं, एडवाइस कर रहे होते हैं, तो हम प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करता है, सेम का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के मुहावरे हम इस्तेमाल करते हैं। वेरी इजी प्रोवर्ब्स आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, एज यू कैन सी, टिट फॉर टिट, जैसी करनी वैसी बढ़नी। जिसे आपके अमाल हैं, जो काम आप जैसा करते हैं, जैसा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो इसी तरह जो है वो आपके साथ भी इसी तरह का एक्ट होगा, इसी तरह का अमल होगा। ये कुदरती रद्द अमल है कि इंसान जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है। ये कानून बेसिकली कब से है, जब से ये दुनिया बनी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों के जरिए से ये बात समझा दी गई कि जो शख्स जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इसलिए हर जबान में, जो जबान में हम इस्तेमाल करते हैं, उन जबानों में प्रोवर्ब, सेइंग, मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इंसान अपने दिखावे से पहचाना जाता है। इसके लफ्ज़ी माने तो बेसिकली ये है जो मैंने यहाँ लिखे हैं कि इंसान अपने दिखावे से पहचाना जाता है, लेकिन जब इंसान का ज़ाहिरी अपीयरेंस कुछ और होता है, वो अंदर से कुछ और होता है, उसकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है, देखने में कुछ और, बातें करने में कुछ और, इट मीन्स दैट वी कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जब हम किसी शख्स को उसकी ज़ाहिरी हालत से पहचाने, देखने में तो साफ सुथरे कपड़े पहना हुआ है, टू पीस पहना हुआ है, टाई लगाया हुआ है, सर पे टोपी है, लंबी दाढ़ी है, देखने में मुल्ला लगता है, नमाजी परहेजगार लगता है, लेकिन वो बैकग्राउंड की जानिब से इतना परहेजगार नहीं, इतना ईमानदार नहीं, इतना परहेजगार नहीं, जिसकी वजह से हम ये बात कह सकते हैं, उसको तनकीद कर सकते हैं, सामने वाले को समझाने के लिए ये बात कर सकते हैं, दैट वी कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बेसिकली अगर हम इसके लफ्ज़ी बात निकालें तो एक किताब के अंदर का जो मटेरियल है, हम उसको उसके कवर से अंदाजा नहीं लगा सकते। मार्केट में बेशुमार ऐसी किताबें होती हैं जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, उनके कवर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव बने होते हैं, लेकिन क्या उनके अंदर जो मटेरियल है, उनके अंदर जो पेपर है, उनके अंदर जो बातें हैं, जो एडवाइस है, जो कहानी है, जो नॉवेल है, उसमें जान नहीं, उसमें वो इंफॉर्मेटिव नहीं, उसके अंदर कोई ऐसी मालूमात, इंफॉर्मेशन नहीं जिसको पढ़ा जाए। इसलिए कभी भी यू आर नॉट सपोज टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, कभी भी किसी शख्स को उसके दिखावे से, उसकी ज़ाहिरी हालत से नहीं पहचाना चाहिए, उसको पहचाना चाहिए उसके बैकग्राउंड से, जो कुछ वो होता है, जैसा कि उसका दिल होता है, जैसे कि उसकी हरकत है, जैसे उसकी लैंग्वेज होती है, हमें उसी चीज़ से उसको पहचाना चाहिए। उसके बाद ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जैसे कि हमारे माशरे में आप देखते हैं कि लोग ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो ज़्यादा चमक दमक करती है, जिसमें शाइनिंग ज़्यादा होती है, देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है, जो नजर आता है वो वैसा नहीं होता। बस ये आंखों का धोखा ही समझ लीजिए, इसलिए हम धोखा खा जाते हैं। लेकिन ये मुहावरा हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी को तनकीद करते हैं, जब किसी को समझा रहे होते हैं, क्योंकि कोई शख्स हमारे सामने ऐसी चीज़ों की तारीफ कर रहा होता है जो बेसिकली देखने में बहुत अच्छी होती है, इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं, असल में ऐसा होता नहीं जैसा कि जाहिर होता है। इसलिए किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, तनकीद करने के लिए, समझाने के लिए हम ये बात करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। After that, as many mouth, so many opinions. जितने मुंह उतनी बातें।
ये मुहावरा हम कब कहते हैं? जब हम अपने ही किसी राज को, अपने ही किसी भाई के राज को, अपने ही किसी साथी के राज को दूसरों में बताएं, और बताने के बाद वो बात फैलती चली जाए, वो बात आपकी तरह फैल जाए, तो सब इस बात को डिस्कस करते हैं। और जब लोग इस बात को डिस्कस करते हैं कि जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं, इससे बेहतर है कि ये एडवाइस, ये बात जो आप लोगों को बता रहे हैं कि आपके भाई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, किसी के बारे में कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, वो आप किसी को ना बताएं, उसको अपने दिल में रखें। जब आप किसी को बताएंगे तो वो बात फैलेगी। इसलिए ये मुहावरा समझाने के लिए उस शख्स को जो दूसरों को बताता है ये कही जाती है, जितने मुंह उतनी बातें। So you must remember, proverbs are not so much difficult. In your class, five books, there are many proverbs. You go study and understand, and you will have to read loudly in front of your parents so that they can understand easily that your child is going very well. Remember one thing, that in the comment you mention your name and mention your name in the comments, a reference to the schools, because you could be given the 5 marks of this thing and annual exams and half an exam. Thank you very much. How?